नमस्कार, मैं जिसिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 4% बड़ा महंगाई भत्ता। केंद्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी पर मोहर लगाई है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ अब भत्ता 42% से बढ़कर 46% कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने का वेतन बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा, जबकि जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी अक्टूबर महीने के वेतन के साथ मिल सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। राहुल गांधी का अडानी पर फिर निशाना लगाया 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर गौतम अडानी पर निशाना साधा है और 32,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और उसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है। लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं, अडानी की जेब में पैसा जाता है। अडानी की रक्षा भारत के पीएम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया के बाकी देशों में जांच हो रही है, लेकिन भारत में अडानी को ब्लैंक चेक दिया हुआ है और वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। शरद पवार की अडानी से नजदीकी को लेकर सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि शरद पवार देश के पीएम नहीं हैं, वो अडानी की रक्षा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोयले का गलत दाम दिखाकर और बिजली की कीमत बढ़ाकर अडानी ने लोगों की जेब से 12,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। कांग्रेस ने तय किए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, किसी भी समय ऐलान संभव। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर मोहर लग गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाकी 146 उम्मीदवारों के नामों का फैसला भी हो गया है। पार्टी अब किसी भी समय राजस्थान की 200 सीटों, मध्य प्रदेश की 86 और छत्तीसगढ़ की 60 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के 229 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसके बाद 16 अक्टूबर को मिजोरम की 40 में से 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई नेता मौजूद रहे। युद्ध के बीच इसराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, हमास के खिलाफ दोहराया समर्थन। इसराइल हमास युद्ध 12वें दिन भी जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इसराइल पहुंचे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कई मुद्दों पर चर्चा की। इससे पूर्व एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को राष्ट्रपति बाइडन ने गले लगाया और इसराइल के प्रति समर्थन दोहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुबह एक्स पर पोस्ट किया कि मैं गाजा के अल हली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप हुई जान माल की क्षति से खासा दुखी हूं। मैंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को जानकारी जुटाने को कहा है कि आखिर ये कैसे हुआ। वहीं इराक में अमेरिकी सैनिकों पर हमले की कोशिश की गई। दो अमेरिकी अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी सेना ने आज तड़के इराक में अपनी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले को विफल कर दिया। गाजा में अस्पताल पर हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, इसराइल ने किया हमले से इनकार। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हवाई हमले में करीब 500 लोग मारे गए हैं। इसके लिए कई मुस्लिम देशों ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इसराइल ने इस हमले से इनकार किया है। इसराइल ने अस्पताल पर हमले के लिए फलिस्तीन को इस्लामी जिहाद संगठन को जिम्मेदार बताया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि इसराइल की ओर रॉकेट्स का एक बैराज लॉन्च किया गया था जो अस्पताल के आसपास के इलाके से गुजरा था। इजरायली सेना ने कहा कि खुफिया जानकारी के अनुसार इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन अस्पताल में रॉकेट धमाके के लिए जिम्मेदार है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा हमले में बर्बर आतंकवादी थे। उन्होंने गाजा में अस्पताल पर हमला किया था, न कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने। दूसरी ओर फलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इसराइल के आरोपों को खारिज करते हुए अस्पताल पर हमले से इनकार किया है। गाजा में बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने रखी शर्त, कहा पहले हमला रोके इसराइल।
एनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर इसराइल गाजा पर बमबारी बंद कर दे तो हमास सभी नागरिक बंधकों को तुरंत रिहा करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इसराइली सेना गाजा पट्टी में अपने सैन्य हमलों को रद्द कर देती है तो एक घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। बीते 7 अक्टूबर को आतंकवादी संगठन हमास ने दक्षिणी इसराइल की ओर रॉकेटों की बौछार के साथ इसराइली सीमा में घुसकर बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। हमास ने इसराइल के खिलाफ इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड बैटल नाम दिया था। इसके बाद से इसराइल हमास के सफाई के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। क्रिकेट विश्व कप पर रिकी पोंटिंग की भविष्यवाणी, टीम इंडिया बन सकती है विश्व विजेता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने क्रिकेट विश्व कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। रिकी पोंटिंग का मानना है कि रोहित शर्मा भारत को अपनी जमीन पर दूसरा विश्व कप दिला सकते हैं। लगातार 3 बड़ी जीत के साथ भारत ने अपने विश्व कप अभियान का शानदार आगाज किया है। टीम इंडिया ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट से धमाकेदार जीत के साथ की। इसके बाद अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया, पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। अब तक के प्रदर्शन से अनुमान लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप अपने नाम कर सकती है। हालांकि ये अभी शुरुआती दौर है और टीम इंडिया को अपने बाकी मुकाबलों में भी यही प्रदर्शन दोहराना होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।